the El Clasico of the IPL. NI Super Kings बनाम मुंबई इंडियंस. और जब सिक्का उछला था तो आजकल हर बार ये होता है कि MS धोनी से बोलते हैं आप प्लीज थोड़ा रुक जाओ, पहले लोग थोड़ा चुप हो जाएं. टॉस जीता गेंदबाजी का फैसला किया है ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव. नहीं टूटती तो नहीं बदलती, लेकिन जब टूटती है तब भी नहीं बदलती. ये है चेन्नई. अभी दीपक चाहर के हाथ में नई गेंद है, थोड़ी सी स्विंग ढूंढेंगे जरूर सुरेश. ईशान किशन पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेल कर आए हैं. ये देखिए अच्छा शॉट ये चालन. सर रविंद्र जाडेजा का आगमन, 138 विकेट चटकाए हैं 216 मैचेस में. कहा रविंद्र जडेजा के खिलाफ जो है आप कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी बॉल डालने से पहले अगर क्रीज छोड़ दी तो फिर झंडू नहीं छोड़ेंगे. तो मुझे लगता है कि ये कमाल का एक रवैया और रुतबा रोहित शर्मा का है, मतलब सूचक है कि बुद्धिमान प्लेयर है. ऊंची भी है दूर भी है, थोड़ी सी और ऊपर होती तो स्टेडियम के बाहर चली जाती जनाब. वो भी टाइमिंग का खेल है और ये भी टाइमिंग का खेल है, और इस बार टाइमिंग बेहतर है. और ये हो सकता है एंजल वन सुपर सिक्स मोमेंट. इस मैदान की लाल मिट्टी की खास बात यही है कि अगर आपको एलिवेशन ठीक से मिला तो फिर गेंद स्टैंड में ही जाती है. आखिरी के चार पांच ओवर में भी गेम का रुख बदल सकता है, तो इसीलिए वहां पे अपना समय लेना चाहिए. फिलहाल यहां पे अपना अंदाज में खेला हुआ शॉट. वो नजाकत थी तो ये है ताकत रोहित शर्मा की. गेंद उतना छोटा नहीं पर फिर भी दिशा दिखाई. गैप ढूंढना इनके बाएं हाथ का खेल है. एक बार फिर वही दर्शाते हुए यहां पे रोहित शर्मा. ये तो टहला के बहला के मारा है, मैदान में जगह ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं. ये कड़क शॉट पर एक बार फिर जिम्मेदारी को उठाया है. ये गेंदबाज की सीरत सूरत कुछ नहीं देखते, सिर्फ टीम की जरूरत देखते हैं. इसी बीच चार रन दन दनाता हुआ चौका, चौके के साथ ओवर की समाप्ति. ये बाउंस है इस पिच पे, लगी है बैट पे एंड ये देखिए बहुत बड़ा विकेट है. गेंद पड़ने के बाद उछली बाहर को निकली, अच्छी थी सीम अंदर की तरफ थी पर मैं कमिटेड हूँ. डाइव मारा है खास से शानदार तरीके से, वहां फिनिश किया के नीचे की इकॉनमी और 67 विकेट अभी तक ये हासिल कर पाए हैं. बारी किनारा, विकेट मिल गई है, ये हुई शुरुआत, इसी की जरूरत थी. यहाँ इनके बल्ले पे लगी और आसान नहीं होता पक्के इस तरह का कैच लपक लिया और ये बड़ी विकेट है. गजब शॉट है ये, रिवर्स स्वीप. दो और अंक चाहिए, बनाइए एक रन. 36 का आंकड़ा इन दोनों टीम्स का है. ऋतुराज गायकवाड, इस खिलाड़ी का फॉर्म थोड़ा सा रूठा हुआ था इनसे, इनका बल्ला वो अल्टरनेट मैचेस में बहुत अच्छा चला है. पहला रन बोर्ड के ऊपर और कितनी खूबसूरती से इसे बाउंड्री की तरफ भेज दिया. ये शॉट बढ़िया है जी हाँ, इसी तरह से लगे रहिए आज जरा. पहली विकेट, ये शॉट जमीन पे रख नहीं पाए, खोने खो दिया है. यहां पर ड्राइव करने का प्रयास, थोड़ी हवा में और सीधा हाथ में. हो माल का शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद रुकने नहीं वाली. यहां और ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव, जरा एक अलग किस्म के एंगल से गेंद आ रही थी और यहां पे गैप ढूंढ लिया है. अरे क्या बात है, मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था और उसका लाभ उठाया. अति सुंदर पारे, क्या बात है यार भाई, इच्छा है शक्ति और इच्छा शक्ति तो पूछो ही मत. ये शॉट गैप मिल गया गैप,
इस ओवर में आ गया दूसरा चौका, इस बार अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। डॉट डिलीवरीज, दबाव बढ़ा है, यहां पर विकेट गिर सकता है, गिर गया ये विकेट, झटका दे दिया है, सीधा कैच, आसान सा कैच, कप्तान हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा। ये शॉट, गेंद और बल्ले का बढ़िया संपर्क। ये जो लाइन का जिक्र किया कप्तान, अगर तो आपने फील्डर यहां रखे होते तो ये लाइन भी चल जाती। हाँ हाँ, बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट है, बहुत ही खूबसूरती से खेला है शॉट। ये गेंद गई है ऊपर, जोखिम उठाया था, नीचे फील्डर को पाया है, सफलता। देखिए सिर्फ कौन बदला आपने, बल्लेबाज का दृष्टिकोण बिल्कुल वही है। 7 विकेट से इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, लगातार 2 जीत, और क्या शान से खेला है चेन्नई सुपर किंग्स।